तेरी आईज बड़ी प्यारी लग रही है, तूने थैंक यू। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो शाम के टाइम कितनी रौनक हो जाती है ना आजकल। मैं देख रही हूँ सारे बच्चे नीचे की तरफ साइकिलिंग करने के लिए आते हैं और क्या कहते हैं गेम वगैरह खेलते रहते हैं, तो आजकल अच्छा लगता है। पहले एक टाइम था कोई भी घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन आजकल धीरे धीरे करके सब लोग थोड़ा थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं विद सेफ्टी। और मम्मियाँ भी थोड़ी बहुत गपशप वगैरह करती रहती हैं, तो मुझे भी बालकनी में बैठ कर देखना बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा शाम के वक्त थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ ना, तो खुद को बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। वैसे बाय द वे मैं थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि मैं कर रही हूँ पार्टी की तैयारी। आप सोचेंगे पार्टी किस बात की, हाँ मेरे घर में पार्टी होने वाली है। किस चीज़ की पार्टी है और किस बात की पार्टी है वो तो कशिश ही बताएगी आपको, और कशिश हमें ज्वाइन करेगी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉर्न बॉईल करने के लिए रखे हैं, एक कॉर्न जिन्हें मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। अब इनका पानी छान लूँगी क्योंकि मैं आज एक स्पेशल डिश बना रही हूँ कशिश के लिए, और वो है कॉर्न कबाब। इसके साथ साथ हम लोग अचारी पनीर टिक्का भी बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही यम्मी लगता है। अचारी पनीर टिक्का अगर आपने ट्राई नहीं किया हो तो ज़रूर ट्राई करना क्योंकि बहुत ही यम्मी होता है गाइस। वो जो नॉर्मल पनीर टिक्का होता है ना उससे कहीं ज़्यादा उसका फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली है मैंने। यहाँ पर 3 आलू ले लिए थे थोड़े से बड़े साइज़ के, और उन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया। यहाँ पर 2 प्याज मैंने चॉपर में चॉप कर लिए। अब मैं 1 कैप्सिकम को भी बारीक चॉप कर लूँगी इसी के साथ। वेजिटेबल में बस यही कुछ चीज़ें पड़ेंगी इसके साथ। दोस्तों कॉर्न कबाब बनाने के लिए मैंने 2 कप कॉर्न लिए थे और उन्हें बॉईल कर लिया था। उसके बाद उनका एक्स्ट्रा पानी मैंने छान दिया और इन्हें मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लिया। अब मैं इन्हें पीस लूँगी, लेकिन मैं दरदरा ही पेस्ट बनाऊँगी, मैं बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से बस 1 या 2 बार ही आपको चलाना है, और कॉर्न सारे निकाल कर मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन बारीक चॉप करी हुई, उसके साथ मैं डाल रही हूँ उसमें 3 आलू उबले हुए। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कलर लाने के लिए हल्दी ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, ब्लैक पेपर ऐड किया है, जीरा पाउडर ऐड किया है, सब कुछ मैंने 1/2 टीस्पून ही ऐड किया है। थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया है मैंने इसमें, और जिंजर मैंने कद्दूकस करके रखा था वो ऐड कर दिया है। भुना हुआ बेसन मैंने इसके साथ 2 टेबल स्पून ऐड किया है, और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें चावल का पाउडर ऐड किया है, इससे थोड़ा क्रिस्पीनेस आएगी आपके कबाब में। इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा धनिया ऐड कर दिया है, 1 नींबू का रस ऐड किया है, और यहाँ पर 3 स्लाइस लिए थे मैंने ब्रेड के, उन्हें मिक्सी जार में चलाकर इनका ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, वो भी मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है। सॉल्ट ऐड कर दिया है, थोड़ी कैप्सिकम ऐड कर दिया है, और इसका एक हल्का सा डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इससे कबाब बनाएंगे। कबाब अपनी मनचाही शेप में आप बना सकते हो, मैं यहाँ पर टिक्की की शेप में बना रही हूँ। बनाने से पहले मैं हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ जिससे कि वो चिपके नहीं। तो इन्हें आप सीख में भी लगाकर बना सकते हो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अगर आपके पास सांचे हैं तो हार्ट शेप में, जो भी आपका दिल चाहे उन शेप में आप बनाकर तैयार कर सकते हो, और इन्हें आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं इन्हें शैलो फ्राई करूँगी। काफ़ी टेस्टी स्टार्टर है और मिनटों में बन जाता है, आपने देखा ही बहुत कम इंग्रेडिएंट में ये बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कबाब तो रेडी करके रख लिए हैं, इन्हें थोड़ी देर सेट होने के लिए मैं
फ्रीज में रखने वाली हूँ। इसी के साथ मैं तैयारी करने वाली हूँ पनीर टिक्के की। पनीर टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अगेन 2 टेबल स्पून के करीब बेसन को हल्का भून लिया है और एक बाउल में ले लिया है आधा कप के करीब दही। दही थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। उसके अलावा मैंने इसमें डाला है पनीर टिक्का मसाला, जो कि मैंने घर में ही तैयार किया था। और ये जो मसाले की रेसिपी है ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डाला था, फिर बेसन डाला और कुछ मसाले ऐड किए। तो पनीर टिक्का जो मैं बनाने वाली हूँ ये है अचारी पनीर टिक्का, और इसकी प्रॉपर रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर करी हुई है। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पनीर और कैप्सिकम और छोटी अनियन मैंने इसके साथ यूज़ करी है, और इन सबको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया है कम से कम 1 से 2 आवर्स के लिए। कशिश, आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। रेडी फॉर पार्टी? किस बात की पार्टी हो रही है कशिश? आज आपको जानना है किस बात की पार्टी हो रही है, तो वो मैं बताऊंगी। मम्मी बताई थी ना मैं बताऊंगी, तो मैं बताती हूँ। आज हो रही है मेरी TIO TV चैनल की 10K की पार्टी, क्योंकि TIO TV जो चैनल है उस पर 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो उसके लिए आज हम अच्छी सी पार्टी करने वाले हैं और बहुत मजे करने वाले हैं। तो अगर आपको भी हमारे सारे मूवी देखने हैं तो चलो देखते हैं हम आज क्या क्या करते हैं। मेरी आईज बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू, मैंने ब्लू लगाया है नीचे क्योंकि मैं ऐसे मतलब इंस्टाग्राम पे देख रही थी, ऐसे ट्रेंड चल रहा है। ओ, बड़ी प्यारी सी लग रही है, बड़ी बड़ी सी आईज लग रही है इसमें। अच्छी ट्रिक करी है। मैंने सोचा थोड़ा ब्लू लगाती क्योंकि ब्लू मैचिंग भी कर रहा है। हाँ। मेरी मम्मी का जो बिल्कुल ब्राइट वाला पैलेट है अर्बन डीके का इलेक्ट्रिक वाला, उससे लगाया है। मैंने ब्लू लगाया क्योंकि और सबके थोड़े लाइट हो जाते हैं ना ब्लू, और ये बिल्कुल ब्लू है। और म्यूजिक का क्या है कशिश? म्यूजिक के बिना कोई पार्टी होती है मम्मी? ऑब्वियसली म्यूजिक है, आज सब पार्टी करेंगे, डांस करेंगे। और कशिश भी कुछ सुनाएगी आज अपनी आवाज में? मैं अपनी आवाज में सुनाऊं? बट मैं तो इतना चलाती भी नहीं, पर चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटी सी डेकोरेशन भी करी है कशिश के लिए, और उसका फेवरेट स्टार्टर्स भी बनाया है मैंने। ये क्या लेकर आ गई तुम मैम? मैं म्यूजिक सिस्टम ही आई। ओ, तो तुम्हारा पूरा मूड है आज पार्टी करने का? अरे ये तो बिल्कुल अच्छा, पार्टी भी करेंगे, सुनेंगे भी गाने, गाएंगे। हाँ, जैसे मामी आई थी तब गाए थे, है ना? वैसे है ये बढ़िया। आपको याद होगा जब मेरे इस चैनल पर 5K क्रॉस करे थे, 10K क्रॉस करे थे, या 100K क्रॉस किए थे, 200K क्रॉस किए थे, मैंने हर बार सेलिब्रेशन किया, तो फिर कशिश के लिए क्यों नहीं? तो आज मैं कशिश के लिए भी एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर रही हूँ उसके 10K क्रॉस होने की खुशी में। हमारे पास माइक भी है तो और भी अच्छा सेलिब्रेशन होगा। और अब डैडी हमारे लिए गाना गाएंगे। मैं नहीं गा रहा हूँ गाना, मैं तो अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, अनाउंसमेंट की बात था। भाइयों और बहनों, भाई और बहनों, तो कशिश के TIO चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। उसको एक माइलस्टोन पे लाने के लिए थैंक यू। 10K एक इट्स अ वेरी बिग माइलस्टोन। जब दीवा ने अपने चैनल पे 10K किए थे तो वो बहुत ही खुश हुई थी। वैसे मैंने आज उसको बोला भी था कि चलो एक केक लेके आते हैं, लेकिन रीमा ने और कशिश ने बोला कि नहीं, हाँ वो केक तो हम TIO TV पे ही काटे हैं। ठीक है, चलो इस वाले चैनल पे थोड़ा सा सेलिब्रेशन ही कर लेते हैं। तो लोगों ने कहा, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है माइक पे, और ये बहुत अच्छी चीज मिल गई मेरे हाथ में। मतलब ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि माइक वायरलेस है और आप कितनी भी दूर जा सकते हो। हमने ट्राई टेस्ट कर लिया है, काफी अच्छी रेंज है इसकी। और कशिश जो है और मम्मी दोनों, मतलब रीमा इंडियन होम स्टूडियो, वो दोनों इसमें एक एक अपने सुर में, मीठे से सुर में गाना सुनाएंगी आप लोगों के लिए। तो कशिश तो यहाँ पर अपने लिए कोई गाना चूज कर रही है कैरियोकी में गाने के लिए, और इधर मैंने जो कबाब बनाए थे वो मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दिए थे, सेट हो जाएं। वैसे नहीं भी है टाइम तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ रख दिए और कुछ मुझे यहाँ जगह मिल गई थी, तो मैं इन्हें बाहर निकाल लूंगी और गरम गरम तवे पर हम इसे बनाएंगे, और साथ में बनाएंगे पनीर टिक्का, अचारी पनीर टिक्का। तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारी पॉप स्टार कशिश को।
वो आपको अपने मधुर स्वर में कुछ गाना सुनाएंगे। Thank you for inviting me to such a big platform and today I'm just going to be singing. Wow. This song तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लग प्यारा जब सारा छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। गाइस ये है ज़ेब्रोनिक्स का मूविंग मॉन्स्टर X8L जो कि एक ट्रॉली स्पीकर है। इस स्पीकर की साउंड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है गाइस। इसमें आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो या फिर अपने मोबाइल से ब्लूटूथ के जरिए इसे कनेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप इसमें FM और ऑक्स वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो। इसमें बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरी है जिसकी वजह से आप इसे आसानी से पिकनिक और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हो। इसमें LED डिस्प्ले, वायरलेस माइक और साथ में रिमोट कंट्रोल भी है जिसकी वजह से काफी कूल लगता है और आगे आप देख ही सकते हो कितनी डिफरेंट टाइप्स की इसमें लाइट भी जलती रहती है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो मुझे बहुत पसंद आया है, बाय द वे, आप कैरियोकी भी कर सकते हो, साथ में रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, आप किसी भी पार्टी या फंक्शन में अपने पार्टनर, दोस्तों और फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो और अपनी डे को स्पेशल बना सकते हो। ये स्पीकर 1 साल की फुल वारंटी के साथ आता है और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। कबाब जो है टिक्कियां मैंने बनाकर ऑलरेडी फ्रीज में रखी हुई थी ना, तो अब इनको एक एक करके सेक लेती हूँ और उधर कहते हैं बारबेक्यू कर लेते हैं। चलो बारबेक्यू करते हैं, ठीक है? Yes. वो निकाल के दे दूं तेरे को मैं, भूख सी लग रही है ना, तो टाइम भी तो हो गया है। और जब भी हम लोग बारबेक्यू करते हैं ना गाइस, तो हम लोग कोई डिनर वगैरह नहीं करते क्योंकि यही काफी हो जाता है हम लोगों के लिए। एक्चुअली पनीर टिक्का और ये सब कबाब वगैरह काफी कुछ हो जाता है और प्रशांत को बहुत पसंद है कबाब वगैरह, कशिश। एक बार बताओ, 10K का तो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं बेटा, लेकिन आपकी चैनल पे वीडियो क्यों नहीं जा रही? अरे वो एग्जाम्स चल रहे थे ना तो अभी तक नहीं गई, बट मैं अभी सोच रही हूँ एक शूट करके डालूं और आप लोगों को भी पसंद आती है ना, तो अब बनता है डालना तो मैं डालूंगी। 10K पे तो डालनी चाहिए ना वीडियो, कुछ ना कुछ तो बनाओ। Say you think about me because I'm starting to doubt we will find a way back to each other when you're on the other side of the world. पता है मेरा मन था मैं सीख में बनाऊं कबाब, सीख कबाब बनाऊं, फिर मैंने सोचा चलो
वो सीक में ऑलरेडी बन रहे हैं, फिर इसको ऐसे टिक्की की शेप में बना लेती हूँ। फिर मैंने प्रशांत से भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा टिक्की की शेप में बनाओ रीमा कबाब जो है ना। और पता है हमने इसमें छोटी छोटी प्याज भी लगाई है, देखा आपने? ओ, ये छोटी वाली प्याज तो बहुत टेस्टी होती है, छोटी वाली प्याज और छोटे आलू भी लगाए हैं। आज तो हम लोगों ने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं। प्याज हम लोग वैसे स्क्वायर शेप में चॉप करके तब लगाते हैं उनके पेटल्स निकाल के, लेकिन आज हमने क्या किया छोटी वाली प्याज भी ली है इसके साथ। मैंने स्पेशली कुछ हमें मुझे लगता है कुछ हम लोगों को प्यार सा हो गया छोटी प्याज और छोटे आलू से। एक्चुअली उनका जो फ्लेवर होता है वो ज्यादा बेटर होता है और इतना वो भी नहीं होता लाइक स्ट्रॉन्ग। तो ये वाला जो काम है ना मैं हमेशा से प्रशांत को देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो ही परफेक्ट करते हैं, तो बाकी सारी प्रिपरेशन मेरी रहती है। और ये सीख में लगाने का जो काम है पर्टिकुलर उन्हें देखने का, उसमें बटर लगाने का और नींबू निचोड़ के चाट मसाला लगा के जब डैडी सर्व करते हैं, डैडी मतलब कशिश के डैडी सर्व करते हैं तो मजा आ जाता है। पता है हम ज्यादातर बारबेक्यू नाइट जो है अपनी बालकनी में करते हैं, लेकिन आज नहीं कर पा रहे बालकनी में क्योंकि गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है और पसीना आ जाएगा बहुत ज्यादा, आई एम श्योर। ह्यूमिड टाइप है ना, नहीं करेंगे, ह्यूमिड है। काला चश्मा जचदा है, और गाइज ये था मेरा कर्चली वाला डांस जो हर लेडीज अपने किचन में करना पसंद करती है। मुझे पता है कि आप भी पसंद करते होंगे छुप छुप के किचन में डांस करना और बाथरूम में सिंगिंग करना, किस किस को पसंद है मुझे जरूर बताना। बट जैसी कर्चली डांस होता है तो रेडी चले जाते हैं, पापा भाग जाते हैं, उनको लगता है कि कहीं कचली उड़ती हुई मेरे ऊपर ना लग जाए, ये मेरे ऊपर फ्लाइंग कचली कचली ना आ जाए, कचली कचली ना आ जाए, कचली नहीं है कचली। अरे मैं या तो मैं कचली बोलती हूँ या कचली बोलती हूँ। तो ये डर के मारे भाग जाते हैं, बेलन और कचली लेके हर आदमी डर जाता है। गलती से भी छूट गया तो सर पे घूमना पड़ जाएगा। हैरी की तरह ना, शिनचैन के पापा, शिनचैन के डैडी। अशीष मेरे कबाब देख क्या मस्त बन रहा है, दिखाओ दिखाओ। ये है स्पेशल पनीर टिक्का बटर का तड़का, बटर का तड़का ज्यादा नहीं डाले, पनीर टिक्का बटर का तड़का, मेड बाय प्रशांत, मेड बाय मैरिनेटेड बाय हिमा, मेड बाय चिंटू। नहीं वो मुझे अच्छा लगा मैरिनेटेड बाय हिमा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई शॉर्ट फिल्म का वो इंट्रोडक्शन। एंड ईटन बाय कशिश, प्रोड्यूस रिटन और वाओ। इसको पता है ऐसे उछालो ऐसे जैसे वो शेफ नहीं उछालते, कहीं उछाल के नीचे ना गिर जाए ना, उछालो और उछालो शेफ की तरह से, एक शेफ की तरह। मैं करूंगी नहीं मैं कर रहा हूँ, और ऐसे उछालो ऊपर तक उछले। अरे अरे नहीं नहीं प्लीज नहीं, मुझे खाना पसंद है, मुझे खाने दो उसके बाद उछालना। ये लो।
ऐसा बहुत ही कम होता है जो तुम बनाओ और वो अच्छा। एक्चुअली ये कॉर्न कबाब है, आप इन्हें चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट शेप में बना सकते हो और इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ ज़्यादातर अपनी चीज़ों को, तो आपने देखा होगा मैं हमेशा शैलो फ्राई करती हूँ। तुम ऐसे ना कॉर्न डॉग की तरीके से भी बना सकती हो, मतलब वो लंबे वाले कॉर्न जो स्क्वायर्स में बनाते हैं। मेरा मन तो था वो वाला बनाने का, उसमें ऊपर की साइड में तुम्हें लेकिन बेसन से वो करना पड़ता है, बेसन इसमें पड़ा हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, बेसन इसमें रहता है। जब भी स्टार्टर्स खाते हैं ना, कभी बहुत बार ऐसा हुआ है हमारे साथ, रेस्टोरेंट में भी हुआ है हमारे साथ ऐसा, जहाँ स्टार्टर खाते हैं ना तो हमें स्टार्टर ही इतना पसंद आ जाता है, हम एक और स्टार्टर मंगा लेते हैं और हम मेन कोर्स मंगाते हैं। बोलते मेन कोर्स, बोलते कुछ नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो कशिश का 10K का सेलिब्रेशन हो चुका है खत्म, और देख सकते हो आप मैंने पूरी किचन क्लीन कर दी है और जो बर्तन यूज किए थे वो भी क्लीन कर दिए, क्योंकि मैं कांच के बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, एज यूजल हमेशा क्लीन करके ही सोती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये बर्तन भी क्लीन कर दिए और सारा काम भी ख़त्म कर लिया, और क्या बोलूँ आप लोगों को, बस कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और जाऊँगी सोने के लिए। तो उससे पहले मैं आप सब लोगों को बोल दूँ कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने TIO को सब्सक्राइब किया और इतना सारा प्यार दिया उस चैनल को। आगे भी अपना प्यार उस चैनल को देते रहिए, जैसे कि आप इंडियन मॉम स्टूडियो को देते हैं। और मेरा भी कुछ प्लान चल रहा है कि मैं उस चैनल पर कुछ नया और कुछ अलग लेकर आऊं, तो देखते हैं कितना कामयाब होता है ये सब। जैसा भी होगा वो आपके साथ शेयर मैं करती ही रहूंगी। सोचा तो है कि उस चैनल के लिए कुछ अलग कुछ सोचा है मैंने, देखते हैं। तो इसी के साथ रात काफ़ी हो चुकी है, तो व्लॉग तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मैं मिलूंगी अब आपको एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। और हाँ, अगर आप हमारी लेटेस्ट अपडेट देखना चाहते हैं तो उसके लिए इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलना, और TIO को भी सब्सक्राइब कर लेना अच्छी और प्यारी वीडियोज देखने के लिए। और कशिश भी आप सबको बाय बाय बोलना चाहती है। And also subscribe to our channel and like this video, share it with your friends. Bye. Good night.